लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को अशोक गहलोत सरकार के दो विधायकों के बयान सामने आए हैं, जिन्होंने खबरों की दुनिया में हलचल मचा दी है। दरअसल विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा में कांग्रेस विधायक सफिया जुबैर ने खुद को और मेव समाज को भगवान राम कृष्ण का वंशज बता दिया। मेव देखिए इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है, तो उस इतिहास में निकल के आया कि मैं तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। वहीं कांग्रेस विधायक अमीन खान ने सूबे के स्कूलों में कराई जाने वाली प्रार्थना पर सवाल उठाते हुए एक विवादित बयान दे दिया है। अमीन खान ने कहा है कि 31 अक्टूबर 1984 के बाद से वो भारत को सेक्युलर देश नहीं मानते हैं। हम तो सेक्युलर देश इसको 31 अक्टूबर 1984 के बाद में मानते ही नहीं। 31 अक्टूबर 1984 के दिन सेक्युलर का खात्मा हो गया, वक्त गुजारते हैं, हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा तो हमको मारेगा कोई नहीं, हिंदू धर्म का हम अच्छी तरह से ज्ञान जानते हैं।